Welcome to your Hindi class, class 5 students. Today I will explaining chapter number 7 में सबसे छोटी हूँ. प्रस्तुत कविता का उद्देश्य बालपन की स्मृतियों तथा माँ और बच्चे के मधुर संबंध को प्रकट करना है. बड़ा हो जाने पर भी बच्चा सदैव बच्चा बना रहता है ताकि वह अपनी माँ का वात्सल्य हमेशा प्राप्त करता रहे. यह कविता इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति है. मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ. बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात. अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात. ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय. यहाँ जो कवि हैं सुमित्रानंदन जी पंत, इस कविता में अपने मन की बाल सुलभ इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं. वे बच्चा बनकर अपनी माँ से अपने मन की बातें व्यक्त कर रहे हैं. वह कहते हैं कि वे कभी भी बड़ा होना नहीं चाहते हैं, सदैव अपनी माँ के आंचल की छाया में उनका स्नेह पाते रहना चाहते हैं. कवि को लगता है कि यदि वो बड़े हो जाएंगे तो बड़े होने पर अपनी माँ का वह प्यार उन्हें नहीं मिलेगा जो उन्हें बचपन में मिलता है. बड़ा हो जाने पर माँ बच्चों को परियों की कहानियां सुनाकर नहीं सुलाती है, इसलिए कवि बच्चा ही बने रहना चाहते हैं जिससे उन्हें माँ का भरपूर स्नेह मिलता रहे और हमेशा वो आंचल की छाया में स्नेह प्राप्त करते रहें. कवि समझते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारे साथ दिन रात नहीं रहती है, वे हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं चलती, हमें हाथ से खिलाती पिलाती नहीं और कहानियां भी नहीं सुनाती. वे तो सदा अपने माँ के आंचल की छाया में स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ वे बिना डरे बिना किसी डर के जीवन के बंधनों से दूर माँ का ममत्व प्राप्त करते रहें और माँ की गोद में बैठकर चंद्रमा की ओर देखा करें. तो स्टूडेंट्स, रीड चैप्टर नंबर 7, सबसे छोटी हूँ. Thank you so much.